ये जो पहले मोटे मोटे गड्ढे पड़े हुए हैं, जो मोटे मोटे पैच लगे हुए हैं, पहले हम इनको भरेंगे। उसके बाद जो है पूरे कमरे में पुट्टियां लगाई जाएंगी। अगर हम इनको पहले भरेंगे तो जो है पूरे कमरे में जो हम गिनती करें तो एक बराबर जो है फिनिशिंग आ जाएगी। अगर हम इनको पहले नहीं भरेंगे तो ये गड्ढे जो है फिर बाद में फिर से भरने पड़ेंगे, तो उन्हें समझ में नहीं आएगी और टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम पहले मोटे मोटे गड्ढों को भरेंगे, उसके बाद जो है सेकेंड कोट की जो पुट्टी अप्लाई करेंगे तो पूरी दीवार पे स्पार्क दे देंगे। हमारे इन दो गड्ढे का यही पर्पज होता है कि दीवार जो है एक जैसी आ जाएगी। तो हम पहले जो है इसके लिए पुट्टी बनाएंगे और इसके ऊपर पुट्टी अप्लाई करेंगे इस तरह से, तो दीवार जो है फिर पूरी दीवार जो है एक जैसी आ जाएगी। जो पेंट निकलने वाला था हमने जो है उसको निकाल दिया है, सारा जो भी ऊपर वाली परत थी निकलने वाली थी वो हमने निकाल दी। अब जो है पुट्टी अप्लाई आराम से हो सकती है, नहीं तो अच्छे से जो है पेंट अपनी फिनिशिंग जो है नहीं देता है। अगर हमें पेंट की फिनिशिंग चाहिए तो बढ़िया से जो है हमें पुट्टी अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर हम पुट्टी बढ़िया से अप्लाई नहीं करेंगे तो पेंट भी जो है अपनी फिनिशिंग नहीं देगा। पेंट भी अपनी फिनिशिंग तभी देता है अगर जो है पुट्टी बढ़िया से अप्लाई होती हो, जिस तरह से हम कर रहे हैं तभी बढ़िया जो है फिनिशिंग पुट्टी देगी। ये देखिए अब इसके ऊपर जो है पूरी दीवार को निकालेंगे, फिर इसमें इसको सूखने के बाद पूरी दीवार निकालेंगे, तब उसमें पुट्टी और इसके बाद पेंट करने का फ़ायदा तभी है फिर।